हेलो एवरीवन आज हम आपको रहेजा क्यू बी ई जर्नल इंश्योरेंस कंपनी के सुपर टॉप अप प्लान का एक रिव्यू देंगे रहेजा क्यू बी ई जर्नल इंश्योरेंस कंपनी एक जॉइंट वेंचर है रहेजा ग्रुप का और क्यू बी ई जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कि ऑस्ट्रेलिया की काफी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 2020-21 में करीब 96 परसेंट इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो था सुपर टॉपअप प्लान की बात करें तो आज के समय में जिस हिसाब से हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से हम सब के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है और सुपर अप प्लान हमें काफी हेल्प करता है क्योंकि यह yeah, बहुत ही कम प्रीमियम में हायर सम इंश्योर प्रोवाइड करता है सुपर टॉप अप प्लान लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं आप देख सकते हैं सो so, प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 टू 65 फाइव ईयरस का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है चाइल्ड एंट्री एज 91 वन डेज है और डिपेंडेंट चाइल्ड इस प्लान में 25 साल तक रह सकता है सम इंश्योर ऑप्शन की बात करें तो दो लाख से एक करोड़ के बीच में जो भी सम इंश्योर अवेलेबल है पॉलिसी होल्डर सेलेक्ट कर सकता है डिडक्टेबल अमाउंट की बात करें तो इसमें एक लाख से पचास लाख के बीच में आप डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी ऑप्शन अवेलेबल है डिडक्टेबल अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसके बाद कंपनी आपको क्लेम पे करना स्टार्ट करती है एग्जांपल अगर आपने तीन लाख ,00 का डिडक्टेबल अमाउंट सेलेक्ट किया है तो तीन लाख ,00 के बाद ही कंपनी आपको क्लेम पे करना स्टार्ट करेगी प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इस प्लान में 60 डेज है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज है रूम कैटेगरी सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप सेलेक्ट कर सकते हैं आईसीयू पे कोई कैपिंग नहीं है अनलिमिटेड जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगा कंपनी पे करेगी अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं तो हज़ार रुपए पर डे आपको कंपनी शेयर्ड रूम एलोकेशन पे करती है ऑर्गन डोनर की बात करें तो इस प्लान में अप टू टू लैख तक आप ऑर्गन डोनर का क्लेम कर सकते हैं डोमेलरी ट्रीटमेंट जिसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन अगर पॉलिसी होल्डर के सामने है कि पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता है या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है so उस समय पे पॉलिसी होल्डर अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है इस प्लान में जिसकी मैक्सिमम लिमिट पचास है पॉलिसी होल्डर पचास हजार रुपए तक ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर सकता है आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी इस प्लान में थाउजेंड तक पॉलिसी होल्डर क्लेम कर सकता है इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है जहाँ से आप ट्रीटमेंट कराते हैं या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर तो नो क्लेम बोनस की बात करें तो इस प्लान में टेन परसेंट ऑफ सम इन शोर्ट है जो कि अप टू फिफ्टी परसेंट तक इंक्रीज होगा और अगर आप पॉलिसी पे क्लेम करते हैं तो जिस रफ्तार से यह बढ़ता है उसी रफ़्तार से कम भी हो जाता है डे केयर ट्रीटमेंट इस प्लान में पाँच डे केयर ट्रीटमेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका सम इन शॉर्ट कम है आपको इंक्रीज़ करना है या ज़्यादा है और डिक्रीज़ करना है तो आप रिन्यूअल पे आप सम शॉर्ट में चेंजेस कर सकते हैं प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप्स इस प्लान में पचपन साल की एज तक नहीं है पचपन साल की एज के बाद आपको प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप्स फेस करने होंगे और अगर मेडिकल चेकअप्स क्लियर होते हैं और कंपनी पॉलिसी देती है तो फिफ्टी परसेंट कंपनी रिफंड कर देगी जो भी आपके मेडिकल टेस्ट में एक्सपेंसेस लगे हैं और मेडिकल टेस्ट जो पॉलिसी लॉगिन की है उसकी नाइन्टी डेज़ के अंदर ही होने चाहिए रिन्यूअल की बात करें तो इस प्लान में लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है पॉलिसी टेन ओवर एक साल दो साल और तीन साल है अगर आप एक साथ दो, दो साल का प्रीमियम पे करते हैं तो सात परसेंट का डिस्काउंट तीन साल का प्रीमियम पे करते हैं तो बारह परसेंट का डिस्काउंट कंपनी पे करती है अगर आप इस प्लान को ऑनलाइन बाय करते हैं तो टेन परसेंट का एडिशनल आप डिस्काउंट ले सकते हैं पैनल हॉस्पिटल इस कंपनी के साथ करीब पांच प्लस पैनल हॉस्पिटल्स पे हैं टीपीए इस कंपनी का इन हाउस है ऑप्शनल बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान में आप री का ऑप्शनल बेनिफिट ऐड कर सकते हैं अगर आपका सम इंशॉर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो वंस इन पॉलिसी ईयर सेम समॉर्ड साल में एक बार री हो जाएगा जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज नहीं देगा वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो किसी भी तरह की फ्रेश इलनेस के लिए क्रिटिकल इलनेस के लिए वन मंथ का वेटिंग पीरियड है वन ईयर का वेटिंग पीरियड और थ्री इयर्स का वेटिंग पीरियड है जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है तो उसमें तीन साल के बाद आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो फ्री लुक पीरियड जो कि पंद्रह दिन है उसमें अपने प्लान को कैंसिल करके अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं सो so ये था एक रिव्यू रहेजा क्यू भी सुपर टॉपअप प्लान के बारे में लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग करें